हमारे प्रभु यीशु के महान नाम की महिमा हो। इज़राइल राष्ट्र के प्रारंभिक पुराने नियम के इतिहास की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि कैसे फिरौन ने अपने हृदय को कठोर किया और इज़राइल के लोगों को मिस्र से बाहर नहीं जाने दिया। हमने यह भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने फिरौन और उसके लोगों पर दंड के रूप में 9 विभिन्न विपत्तियां भेजी। 10वीं और अंतिम विपत्ति से पहले परमेश्वर ने इसराइलियों को विशेष निर्देश दिए। परमेश्वर इसराइलियों को गुलामी से छुड़ाने वाला था और वह चाहता था कि इसराइली इस घटना को हमेशा के लिए एक स्मारक के रूप में याद रखें। 10वीं और सबसे भयानक विपत्ति मिस्र में सभी पहिलौठों की मृत्यु थी, इसलिए उन्होंने फसह के पर्व की स्थापना की, जिसका पालन भविष्य में भी इसराइलियों द्वारा किया जाना था। परमेश्वर ने कहा कि फसह का पर्व परमेश्वर के लोगों द्वारा पूरे इतिहास में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मनाया जाए। आज फसह सबसे व्यापक रूप से मनाई जाने वाली यहूदी छुट्टियों में से एक है। यह निर्गमन अध्याय 12 की पुस्तक में परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। पहले फसह की रात 10वीं विपत्ति की रात थी। उस विनाशकारी रात में परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा कि वे एक निर्दोष मेमने की बलि दे और उसके लहू से उनके द्वार के चौकटों पर निशान लगाए। फिर जब यहोवा के दूत को राष्ट्र के बीच से गुजरना था तो उसे उन घरों को छोड़ देना था जो लहू दिखाते थे। मिस्र में इसराइल के बच्चों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और पहला फसह मनाया। पूरे मिस्र में मिस्रियों के अचिन्हित रक्तहीन दरवाजों के पीछे पहलौठे बच्चे आधी रात को मर गए। मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा कोई घर न रहा जिसमें कोई न मरा हो। इस भयंकर विपत्ति ने अंततः फिरौन के हृदय को बदल दिया और उसने इसराइली दासों को मुक्त कर दिया। फसह के मेमने के लहू को उनके चौखट के खंभों और चौकटों पर लगाने के निर्देश के साथ परमेश्वर ने एक स्मारक भोजन की स्थापना की, आग में भुना मेमना, कड़वी जड़ी बूटियां और अखमीरी रोटी। परमेश्वर ने इसराइलियों को निर्देश दिया कि वे फसह के पर्व को स्थायी स्मारक के रूप में मनाएं। आज तक दुनिया भर के यहूदी इस आज्ञा का पालन करते हुए फसह का पर्व मनाते हैं। फसह और निर्गमन की कहानी का ईसाइयों के लिए भी बहुत महत्व है। यीशु मसीह ने फसह के प्रतीकवाद सहित व्यवस्था को पूरा किया। यीशु हमारा फसह का मेमना है। वह फसह के समय मारा गया था और उसका अंतिम भोज फसह का भोजन था। आध्यात्मिक रूप से विश्वास के द्वारा हमारे जीवनों में उसके लहू को लगाने के द्वारा हमें मृत्यु से बचाने के लिए हम मसीह पर भरोसा करते हैं। जिस तरह पहले फसह ने इब्रानियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, उसी तरह मसीह की मृत्यु पाप की गुलामी से हमारी रिहाई को चिन्हित करती है। जैसा कि पहले फसह को एक वार्षिक पर्व के रूप में स्मरण में आयोजित किया जाना था, इसलिए ईसाइयों को प्रभु के वापस आने तक उनकी मृत्यु को सहभागिता में स्मरण करना है। पुराने नियम का फसह का मेमना अंतिम फसह के मेमने यीशु मसीह का मात्र पूर्वाभास था। अपने निष्पाप जीवन और बलिदान की मृत्यु के द्वारा यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया जो लोगों को मृत्यु से बचने का मार्ग और अनंत जीवन की निश्चित आशा देने में सक्षम था। अगले पाठ में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा और इसराइलियों को मिस्र से निकलने में मदद की।